हरिद्वार में मनरेगा की धांधली उजागर हुई है। मामला बहादराबाद के ग्राम पंचायत गढ़ के कुतुबपुर गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के तहत सरकारी ट्यूबवेल पाइप लाइन का काम कराया जा रहा था। ग्रामीणों के खाते में फर्जी तरीके से पैसे डाले जा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि अकाउंट में डाले गए 3,000 रुपए लेने कुछ लोग उनके पास पहुंचे और 300-400 रुपए देकर बाकी पैसे निकाल ले गए। यह पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिनकी जांच पड़ताल हुई है, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। मेरी घरवाली के अकाउंट में 3,000 रुपए आए थे और क्या नाम है, मेरे को बोला गया कि आपको इसमें से क्या नाम है इसका 2982 रुपए आए थे और मेरे से बोला गया कि 300 रुपए हम तुम्हें देंगे और पैसे हम निकाल लेंगे अपने। मेरे से बोल के ये कह के गए या फिर उन्होंने निकाल लिए मेरी घरवाली के पैसे तो निकलवा दिए और क्या नाम है, मैंने अपने पैसे निकलवाने के लिए उनसे बोला, उन्होंने मैंने उनको अपनी कॉपी भी दे रखी है, उन्होंने मेरी कॉपी ले जा रखी है और मैं घरवाली के अकाउंट में 2982 रुपए आ रखे थे, उन्होंने मेरी घरवाली को 300 रुपए दे दिए और 2682 रुपए मैं लेके गया हूँ। एक तो इनमें नाजमीन थी और एक लड़का हो गया। सादी जी गढ़ के रहने वाला, मेरे खाते में 2900 कुछ रुपए आए थे ना, जो ये कह रही 300 रुपए तू रख ले बाकी मुझे दे दे, मेरे मालूम नहीं आई साथ, ये मैं भी नहीं जानता कोई लोग है या नहीं है। मेरे सरकारी खाते में आए थे गरीबी रेखा में,